जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मुझे जब से ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक आया है उसके बाद से बच्चों का बहुत फोन आ रहा है। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं अब कि सर कौन सी किताब पढ़े, सर कौन सी किताब पढ़े। कोई बच्चा हमको कहता सर ये वाली पढ़ ले, सर वो वाली पढ़ ले। बच्चा आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी में मैथ के साथ और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने। ये नहीं कि मैथ में ही आप पीएचडी कर डालो। ये सारी किताबें हमने रखी है, देखा जाए तो ये सारी पढ़नी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा सारी की सारी किताबें पढ़नी चाहिए। पर आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो पहले ये देखो। आप तैयारी कर रहे हो रेलवे एग्जाम ग्रुप डी। ये सिर्फ स्पेशल वीडियो इन्हीं लोगों को समझाने के लिए। तो बच्चा जब आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो 50 टू किताब नहीं लगा पाओगे कम समय में। एक किताब लगा लो, दोबारा उसका फिर से रिवीजन कर लो, साथ ही साथ जिस टॉपिक में कंफ्यूजन है वो दूसरे किताब से कंप्लीट कर लो। बस इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से समझाता हूं। देखो सबसे पहले कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की, तो आपको बेसिक किताबें आनी चाहिए। बेसिक किताब में जैसे ये आरएस अग्रवाल की किताब आती है, ये एचडी यादव की किताब आती है, एचडी यादव सर सबके नाम के आगे सर लगा हुआ है, और ये सागीर अहमद सर की किताब आती है। जी हां, ये सागीर, मतलब अगर जीवन में जब आप चलना सीखते हो तो इन तीन में से एक किताब आपको पहले आनी चाहिए, यानी ये बेसिक किताब आपके ब्लड में होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्पेशल फॉर ग्रुप डी स्टूडेंट, वो बच्चा ये किताब लगा लो। ये किताब क्या है कि रेलवे के सारे एग्जाम को कवर करता है, और एक बार आपने लगा लिया दोबारा भी लगा लो। फिर उसके बाद आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि हम इस कमजोर हैं, तब आप चाहे तो किरण की किताब से लगा लो या और भी कोई किताब से लगा लो। बट याद रहे ये जो किताब है, अगर आप इसका पूरा कोर्स किसी टीचर से खरीदते हो तो मत खरीदो। पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब में फ्री पड़ा हुआ है, मेरे ही चैनल में पड़ा हुआ है, ठीक है, इस किताब का प्रॉपर वे में, और जबरदस्त तरीके से हाईटेक सॉल्यूशन बताए हैं। सिर्फ एक दो तीन चैप्टर के हमने थ्योरी नहीं बताई है, बाकी इस किताब को जब हमने पढ़ाया है तो थ्योरी के साथ भी पढ़ाया है, और जो ग्रुप डी के बच्चे हैं उनके लिए वरदान है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? जो बच्चे एनटीपीसी का एग्जाम देके आए हैं इस किताब को पढ़कर, वो बच्चे जरूर रिव्यू दे देना, जिससे ये ग्रुप डी वाले बच्चों को हेल्प मिल जाए। याद रहे ये किताब एनटीपीसी के लिए भी अच्छी है और ग्रुप डी के लिए भी अच्छी है। एक साल पहले पढ़ा दिया तो वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या, आपको सही गाइड करना कि एक किताब को लगाओगे तो सिलेक्शन पाओगे, 10 किताब को लगाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। अब कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर आप तो 10 किताबें यूट्यूब में पढ़ाते हो। उसका कारण है, रीजन क्या है कि बहुत सी किताबें बहुत सी जगह अवेलेबल नहीं होती। माना यह जाता है कि देखो जब बच्चा एक किताब पढ़ चुका होता है एक साल पहले तो वो दूसरी किताब की ओर जाता है, तीसरी किताब की ओर जाता है, और हर एक किताब में कुछ ना कुछ नया होता है। लेकिन अब जब ग्रुप डी का बच्चा है तो आपको क्यों भटक रहे हो? क्योंकि आप समय नहीं है, आने वाले समय में जल्दी एग्जाम होगा, एक किताब को लगा के बैठोगे कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, ग्रुप डी वाले मेरे सजेशन पे ये किताब लगा लेना और आरएस अग्रवाल का एडवांस मैथ पढ़ लेना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में निशुल्क पड़ा हुआ है, इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अब आपके पास समय बचा, अब समय बचा, मान लो आपने ये पढ़ रखा, जिसे ग्रुप डी वाले बच्चे कहते सर हमने तो ये दोनों पढ़ लिया, तो अब क्या करें? तो फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ। चाहो तो ये किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको लगा सकते हो, चाहो तो रुक्मणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको लगा सकते हो,
एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है या और भी कोई पब्लिकेशन है जिसका प्रैक्टिस सेट आता है, आप फ्री हो। क्यों? क्योंकि आपने दो किताबों से नॉलेज ले लिया, आप स्वयं से जूझो, छत में बैठ के एकांत में पढ़ो, दिन भर मोबाइल लेकर, दिन भर यूट्यूब में, कुछ बच्चे आजकल यही सर्च करते हैं कि एनटीपीसी का कट ऑफ किया जाएगा, 500 वीडियो यूट्यूब में लोगों ने डाल दिए आज की डेट में जब से ये रेलवे ने घोषित कर दिया। अरे देवताओं, काहे परेशान हो, जिस वक्त आएगा कट ऑफ तब देख लेना, अभी पढ़ाई पर फोकस कर लो अपना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के लिए जब रेलवे ने घोषित कर दिया कि एनटीपीसी सिविल 2 का एग्जाम फरवरी में होगा, ये घोषित कर दिया, अब आप दिन रात कट ऑफ, अरे पढ़ लोगे तो ग्रुप डी में भी काम आएगा। तो ये तो ग्रुप डी के बारे में बता दिया, मैं फाइनल बता दूं, किताब पढ़ोगे तो खुशी मिलेगी। जैसे नहीं कि पहले मैं बहुत किताब से पढ़ता था, फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि यूट्यूब से पढ़ो, अब मैं क्या करता हूं, यूट्यूब में सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करता हूं, पढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई टीचर ये पढ़ा रहा, कोई टीचर वो पढ़ा रहा, हम उसमें अपना जीवन अच्छे से यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन की ओर नहीं जा रहे। जब किताब पढ़ोगे कॉन्फिडेंस आएगा ऑटोमेटिक, आप समझ रहे हो ना। जैसे बचपन में हम आपको बता दें, मान लो सब्जी खरीदने गए जनरली, और जेब में अगर 50 रुपए हैं तो, और कोई सब्जी 20 रुपए की मिल रही है तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि जेब में 50 रुपए है, पहले बोलो हाँ। और अगर कोई चीज 80 रुपए की है, जेब में 50 है, तो फिर समझ रहे हो कि वो चीज हम नहीं लेते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि अब क्या लेंगे जब है ही नहीं पैसे, समझ गए। तो एक किताब पढ़ोगे, प्रॉपर पढ़ोगे, इस किताब के अंदर हर एक चीज टाइप वाइज दे दिया है, रेलवे के लिए वरदान है, वरदान, चाहे एनटीपीसी का स्टूडेंट हो चाहे ग्रुप डी का। तो ये तो ग्रुप डी के बारे में बता दिया। अब जो एनटीपीसी सीबीडी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दे, हमने एक किताब लॉन्च, मतलब पढ़ाना चालू कर दिया है, सीबीडी 2 की भी किताब, वो किरण की पढ़ाना चालू किया है, प्रॉपर वे में, थोड़ा सा उसके क्वेश्चन अजीब और गरीब लगेंगे तो वो आप सीखोगे। क्यों? क्योंकि इसी दौरान आपने ये सब किताबें पढ़ डाली, क्योंकि आपने तो पीएचडी करी डाली, आपने रुक्मणी वॉल्यूम 1, 2, 2700, 3200, हो सकता है किरण की किताबें लगा डाली, हो सकता है ये सामने जो किताबें रखी हुई हैं किरण की 10500 लगा डाली, 11000 लगा रखी, हां। पर जब आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो सीबीडी 2 के लिए, उसके लिए भी हम बता दें क्योंकि अलग वीडियो नहीं, ये सब तो प्रैक्टिस सेट हो गए, ये सब अब आपके लिए बेसिक है। यहां पर या तो किरण की 10500 या 11000 या एसएससी 7525 या ये, इनमें से एक किताब लगा लेना, किरण की लगा सकते हो, एसएससी की कोई किताब। कौन बच्चा जो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है, या 7525 में से जो कि यूथ की किताब है, ठीक है, और या राकेश यादव सर, इन तीनों में से कोई एक लगा के बैठोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा और भी एग्जाम की तैयारी करोगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, अगर मेरी बात किसी को गलत लगी वो बच्चा स्वयं जिम्मेदार है। सर क्यों, आप क्यों जिम्मेदार नहीं हो? मैं सही बोल रहा हूं क्योंकि मैं किताबें पढ़ाता हूं, जितनी यहां किताबें लिखी है इसमें से ऑलमोस्ट सभी किताबों को हम यूट्यूब में टच कर चुके, ठीक है, 3-4 किताबों को छोड़कर बाकी किताबें हमने टच की। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है क्योंकि हमने पढ़ाया है, इसका मतलब हमने पढ़ा है तो हम आपको बता रहे हैं। ग्रुप डी के लिए मैं फाइनल, इस किताब को पढ़िए, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे दिन भर फोन करते हैं बच्चे, सर ग्रुप डी का कोर्स ले लें। अरे देवता, जब पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में पढ़ा दिया है इसका, पढ़ लो, ओके, बाद इसका आप क्या पढ़ लो, एडवांस मैथ पढ़ लो, वो भी फ्री पढ़ा दिया, इसमें भी एडवांस है, इतने में ग्रुप डी की नैया पार हो जाएगी। और जो बच्चा सीबीडी 2 की तैयारी कर रहा है उसके लिए हम ये किताब भी पढ़ा रहे हैं, किरण की भी किताब पढ़ा रहे हैं, ये किताब भी पढ़ा रहे हैं, किरण की 10500 भी बहुत कुछ पढ़ा दिया है, उन इसको चाहे लगा लो चाहे उसको लगा लो, कौन सी, किरण की 10500 या 11000 भी आ गई है, चलो यही पकड़ो, या इसको लगा लो, खुद से लगा लो, सिलेक्शन की ओर चले जाओ, बस टेंशन फ्री। सीबीडी 2 के लिए स्पेशल हमने एक नई किताब स्टार्ट की है,
इच्छा हो तो उसको भी पढ़ लो, नए क्वेश्चन है अजीब और गरीब उन्हें सीख लो, और इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा नहीं, एक की जगह दो किताब पढ़ लेना, सिलेक्शन की ओर हो जाओगे। हाँ, अब समय है तो एनटीपीसी के जो अभी सेट हुए लगा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज सीखते रहिए, कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिए, धन्यवाद। तो ये सब किताबें हैं जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर वे में, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये सब किताबें हैं जिनमें ग्रुप डी वाले ये दो किताब सामने रखी है, इतना पढ़ के ग्रुप डी पास हो जाएगा। अगर आप एनटीपीसी सीबीडी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आगे की सीरीज में से कोई भी किताब लगा लो, चाहे आप किरण की लगा लो, चाहे राकेश यादव सर की लगा लो, चाहे ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक किताब लगा लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जीवन में समय समय बचाए तो फिर इनका प्रैक्टिस करो, बस फ्री बता दिया। किताबों से पढ़ोगे तो सिलेक्शन की ओर जाओगे, दुनिया भर की चीजों से पढ़ोगे स्वयं जिम्मेदार हो जाओगे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।